गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और गर्मियों में कच्चे आम की जो चटनी होती है वो बेहद स्वादिष्ट लगती है। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की चटनी। बेहद सिंपल तरीके से बट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार होती है। गर्मी के टाइम में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अगर सही तरीके से बनाई जाए तो ये चटनी हमें काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी देती है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस चटनी को बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिया है चटनी बनाने का सारा सामान, यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके रखा है। प्याज है, हरी मिर्च है, गुड़ है, साथ में ही काला नमक है, सफ़ेद नमक है और साथ में ये है हमारा जीरा, लाल मिर्च, धनिया पत्ता। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, धनिया पत्ते की जगह आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रात में वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्लियर नहीं आ रहा, आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको धनिया का स्वाद ज़्यादा पसंद है या फिर पुदीने वाला पसंद है। मुझे धनिया वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं यहाँ पर धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। मैं चीनी की जगह यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ चटनी को बनाने के लिए। इसमें एक चीज़ और ज़रूरी रहती है, हमारे यहाँ जो मेरी दादी बनाती थी वो ट्रेडिशनल चटनी जो कच्चे आम की बनती थी उसमें वो सौंफ का इस्तेमाल और करती थी। सौंफ एक अच्छा सोर्स है शरीर को ठंडा रखने के लिए, बट अभी सौंफ जो है ना वो मेरे पास नहीं है। तो आप चाहें तो सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सौंफ रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ लोग लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं बट मैं लहसुन नहीं, मैं ठंडी ठंडी बनाने वाली हूँ चटनी, तो मैं यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए वन बाय वन करके ये कच्चे आम जो मैंने लिए हैं, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ी थी, मतलब नॉर्मली ही हमारा आम है, अभी कच्चे आम आ रहे हैं, एकदम से कच्चे आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च भी डालने वाले हैं। साथ में ही अच्छी क्वांटिटी में गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ जो है ना वो मुझे गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और जो एक रेडनेस आती है ना वो बहुत अच्छी रहती है इस चटनी में। साथ में ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और वाइट सॉल्ट थोड़ा सा कम और ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि चटनियों में ब्लैक सॉल्ट का अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। और अब ऊपर से डाल देंगे हम ये ढेर सारा धनिया पत्ता, फ्रेश फ्रेश धनिया डालेंगे। चाहे तो धनिया और पुदीना दोनों हाफ एंड हाफ क्वांटिटी में भी लिया जा सकता है, डंठल इसके ज़रूर डालिएगा, अच्छे रहते हैं। चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए चटनी हमारी जो है ना वो पिसकर तैयार हो गई है। इसको एकदम से बारीक नहीं पीसना होता है, हल्का सा एकदम पल्पी टाइप का जो टेक्सचर होता है ना उसके अकॉर्डिंग इसे पीसना है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में और इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी चटनी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। खट्टा मीठा ठंडा ठंडा सा इसका जो टेस्ट है वो आपको बेहद अच्छा लगेगा। ये देखिए एकदम से आप इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब इसको जो है ना आप रोटी के साथ ऐसे ही लगाकर अगर खाएंगे ना तो भी आप 3-4 रोटी आराम से खा जाएंगे इसके साथ, बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी यूज़फुल रेसिपीज़ एंड वीडियोज़ के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।